दोस्तों, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत वास्ट है, ये भरोसे पे चलता है। अगर भरोसा ही नहीं रहा तो फिर व्यापार कैसे चलेगा। लोग मूंगा, मोती या दूसरे समुद्र से निकलने वाले जैविक पदार्थ जेमस्टोन्स के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन ये भरोसेमंद होना चाहिए, ये जेन्युइन सोर्सेस से आना चाहिए। ये लोग जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, इससे भरोसा टूटेगा। दोस्तों, अब तो ये तो सुना होगा कि समुद्र में से मोती निकलता है, मूंगा निकलता है, लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा था कि समुद्र में से प्लास्टिक भी निकलता है? नहीं ना। मैं भी खड़ा हूँ चिलका में, जो कि उड़ीसा में है, श्री जगन्नाथ धाम पुरी से 50 किलोमीटर दूर। मैं अपने फैमिली के साथ घूम रहा था और जो मेरा नाविक है बोट वाला, वो जो पहले डेस्टिनेशन पे लेके गया, वो चौंकाने वाला रहा। हमें क्या मिला, चले देखते हैं। उसको आप लोग क्या बोलता है? बोलता है सामू को, बोलता मुक्त पाया है, होता है कभी सदाई रहा है। अब जब ये होते कि सात बंद है, ये जब बड़ा बन जाते तब देखो, इतना मानसे था जो किया था ना, बहुत पुराना जो बड़ा बन होंगे, जहाँ मध्य ने सात नक्षत्र प्रथम दृष्टि उल्टा पड़ते हुए तार मध्य है। ये है क्या वैसे? अब ये मुक्त कौन चला? मुक्त और किरारा मध्य ना, ये सब समुद्र दिखे पाँच हजार दिखे, नेटे लगी मरी क्या? मैंने नेटे लगी मरी जाल का अंदर, अरे जाल के अंदर मरी जा। अच्छा, मुक्त तो मुक्त 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 देखिले, वही मुक्त, वही मुक्त जो आंटी को ताने तो बनने, ये दे दो हमको, हम लोग बेच को बिक्री करता है। देखो, देखने के लिए पैसा लगेगा। ये वन पीस 250, इसको लकड़ी में तोड़ेगा तो टूटेगा नहीं, जालेगा तो जलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। ये असली मुक्त है। इधर मुक्तोड़ा रखो, लकड़ी में तोड़ेगा तो लकड़ी कुछ नहीं होगा, कुछ नेचुरल था ना, इसीलिए देखो फिर से वो मार के देखो। असली की असली, ये टेंडर नहीं है, जैसे बिजनेस करने के लिए इतना बोट आया है ना, अच्छा इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले एक सीप तोड़ा, फिर दूसरे सीप को तोड़ा और फिर तीसरे सीप को तोड़ा, तीसरे सीप में इन्होंने निकाला एक मोती। आपको पता है कि सीप से मोती निकलता है, पर ये सीप नहीं है, इसको सीप नहीं, इस सीप की कैटेगरी में डालते, इसको ऑयस्टर की कैटेगरी में डालते हैं। फिर एक दूसरा ऑयस्टर निकाला, दूसरे का और सभी तोड़ा, तोड़ तोड़ के क्या निकाला, एक मूंगा। आपने ध्यान दिया होगा ये मूंगा कट एंड पॉलिश है, बिल्कुल शेप है मूंगा इस तरह के। एक तो ये ऐसा ऑयस्टर से निकलता ही नहीं है, दूसरी बात ऐसे शेप में भी नहीं निकलता, ये डंडे ऐसा निकलता है, ये पेड़ है, एक पौधा है जो
समुद्री जीव है, इसको काट काट के बनाया जाता है। और तीसरा जो पत्थर आपने देखा, ये मुझे ऐसा लगा कि ये प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक को इस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है कि ये भी एक बिल्कुल शेप में प्रॉपर कट एंड पॉलिश होकर निकला हुआ पत्थर है। देखो मार पत्थर बच्चा जैसे रहेगा ना ऐसे रहेगा। कौन सा पत्थर है? ये लाइफ स्टोन, जो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए काम कर, सम्मान सम्मान से पत्थर देखो, इसीलिए स्टोन काम करते हैं। ये असली है? असली, उसको लाइफ स्टोन बोलते हैं। एकदम असली। ये किस काम आता है ये स्टोन? डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। ये कोई राशि फासी नहीं, सब कुछ उसके लिए। 1500 ये इधर मिलता नहीं, समुद्र का अंदर मिलता, अंदर बीच में ये समुद्र में ही। नहीं ये तो चिलका है, इधर मिलता नहीं। फिर कहाँ मिलता है? दियो ब्रह्म का। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या मिलता है? यहाँ पर चुंगड़ी स्टोन वगैरह नहीं मिलता। ये यहाँ पे नहीं मिलेगा? नहीं, आप लोग वहाँ से पकड़ के लाते हो? बी ऑफ बंगाल से। बी ऑफ बंगाल कितना दूर है यहाँ से? वो जाएगा जो बालू है ना, वो बालू का पीछे समुद्र है। कौन सा पीछे? वो बालू का पीछे समुद्र है ना। फिर सिर्फ यहाँ पे मुक्तो मिलता है? मुक्तो से समुद्र का अंदर है। यहाँ पर बिजनेस होता है? भैया क्या लेगा? विकास के लिए चाहिए, लेकिन रेट सही लगा हुआ है। 1200 रुपया दे। नहीं, इस पत्थर का नाम क्या है? ये वाला पत्थर का नाम क्या है? ये 1500 रुपया भैया। क्या नाम? क्या? 7 स्टार, 7 रत्न। और ये वाला है मूंगा। ये स्टोन्स देखिए दिखा रहे, जैविक वस्तु से निकला हुआ है, और ये कटिंग पॉलिशिंग करके निकला हुआ सीधा स्ट्रेट से ना दिखाया जा रहा है, इसमें से निकला हुआ है। और ये पत्थर जो है जो कट एंड पॉलिश पत्थर है, ये कोरल है। कोरल भी जो है वो यहीं से निकाल के दिखाए गए हैं। और एक मोती भी निकला था, मोती 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 दिखा था मोती। और ये एक मोती है, ये एक मोती है जो कि हमें दिखाना उससे निकला है, इससे निकला है, ऐसा ही कह रहे हैं। इसे कहते हैं सामुक, सामुक सामुक, क्या बोलते हैं इसको? सिप 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 शेल सामुक। वाह, कटिंग पॉलिश से कड़ाई आ जाएगा उसके अंदर। देखो मार्बल जैसे उसका पेट को हाथ लगा रहा है। कौन नहीं बोले सुनी है क्या? शल इतनी शल चाहिए क्या? रेड से लगा दो भैया, हम ले लेंगे। कौन सा वाला? व्हाइट वाला, ये वाला लाइफ शल। आपका हिसाब से कितना देगा बोलो? हमको पॉसिबल देगा नहीं तो चल जाएगा, इसकी जबरदस्ती नहीं। उसका कलर कभी नष्ट हो ना, उसको जलेगा तो भी जलेगा नहीं, जला जला के भी नहीं खराब होगा। जलेगा जी, ये मैचेस मारेगा, ये जलेगा नहीं, वो ब्लैक हो जाएगा, फिर साफ कर देगा, फूल कलर आएगा कुछ है ना। ये चीज बड़ा अच्छा लगा। नहीं लेने का मौन नहीं, तो बोलो आपका हिसाब से बोलो कितना दे। 100 150। अभी आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से ये फ्रॉड चल रहा है। ये कटन पॉलिश स्टोन्स, ये यहीं पे ये कटन पॉलिश स्टोन्स लेके ये जानबूझ के सीप के अंदर डाल देते हैं, और फिर ये कहते हैं कि सीप के अंदर से निकल रहा है। और आपको पता है कि कभी कभी नेचुरल स्टोन इस तरह से इस शेप में नहीं निकलेगा। ये भी एक व्यापार है, ये भी एक व्यापार चल रहा है। और हमने देखा किस तरह से लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये बेवकूफ़ नहीं बनना है हमने, ये समझना है। एक नेचुरली स्टोन से मिलता है, वो इस शेप में नहीं मिलता, इस शेप में जो भी दिखाया गया इस शेप में नहीं मिलता नेचुरली स्टोन। क्या देखा दोस्तों आपने? ये सज्जन जो है ये सीप में से निकाल रहे मोती,
और ऑयस्टर्स में से भी निकल रहे हैं मूंगा। आपको पता है कि मोती जो है ये सीप में से निकलता है, ये समुद्र में से निकलता है, लेकिन इस तरह के ऑयस्टर्स में से नहीं निकलता, या फिर ना के बराबर चांसेस होते हैं ऐसा निकलने में। ये सिर्फ धोखा है, ये छोटा सा जो ऑयस्टर देख रहे हैं ये बिल्कुल धोखा है, इस तरह के ऑयस्टर से नहीं निकलता। और मूंगा तो खासकर इस तरह से बिल्कुल नहीं निकलता। ये एक पेड़ होता है, ये एक पौधा होता है, एक टहनी होता है, इस टहनी को काट कर इसमें से फिर मूंगा निकलते हैं। ये दिखा रहे हैं कि ऑयस्टर्स के पेड़, इसको ऑयस्टर को चीरा गया और इसमें से फिर एक बढ़िया पॉलिश्ड मूंगा निकाला, जिसे हम कोरल बोलते हैं। ये कभी ऐसा नहीं निकलता, ये सिर्फ ठगने वाली चीजें हैं। अच्छा, जब हमें एक आदमी ने जब हमें दिखाया तो मैं फिर अगले व्यक्ति के पास गया। उसने क्या बोला कि आप जब तक अपना कैमरा ऑफ नहीं करेंगे हम दिखाएंगे नहीं। और वो समझ गया कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हो सकता है उसको ये आगे जाके दिक्कत आए, इसलिए उसने दिखाया नहीं। देख लीजिए उसकी शूटिंग में, देख लीजिए उसने मुझसे क्या कहा और मैंने क्या जवाब दिया। मोबाइल आप करो ना, देख बोला अगर शूटिंग करो, शूटिंग करो, खाली शूटिंग करो, हमारा কিনতে যদি কিনে দেবো ওখান থেকে কিন্তু সস্তা দিতে হবে। होता क्या चीज है कि ये तो जेमसन ज्वेलरी इंडस्ट्री है, ये बहुत फास्ट है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमें जेमसन ज्वेलरी इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ाना है, इस तरह की फेक चीजों को हटाना है ताकि लोगों को कुछ सही चीज मिल सके, एक सर्टिफाइड ऑथेंटिक जगह से लेना है। ये जो लोग कर रहे हैं ये हमारे जेमसन ज्वेलरी इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। अगली बार जब कोई व्यक्ति आएगा तो उसे ये लोग मिलेंगे नहीं और ये क्या बोलेंगे जी हमें गलत चीज पकड़ा दिया हमें ऐसा, और इस बार इसके बारे में मिथ फैलाएंगे। ये भी एक मिथबस्टर वीडियो है और हमारा काम क्या है जी, इस मिथबस्टर वीडियो को तोड़ेंगे हम, हर एक मिथ को तोड़ेंगे, मार्केट के हर एक बेईमानी को हम निकालेंगे सामने आपके। और आपने सुनना है कि इस तरह के झांसे में कभी नहीं पड़ना है कि ये सीप को निकाल के इसमें से मोती निकाल रहे हैं और बेच रहे हैं आपको आंखों के सामने। चलिए मैं तो जेमोलॉजिस्ट हूँ कि मुझे तो पता लग गया, लेकिन जो जेमोलॉजिस्ट नहीं है वो जो आम पब्लिक है, तुरंत मेरे सामने एक व्यक्ति ने ऑफर कर दिया 250 रुपए का और शायद हो सकता है मेरे जाने के बाद खरीद भी लिया हो। मैंने इशारा किया आंखों से, बिना खरीदा ठीक हो सकता है खरीद लिया हो, तो हमें बच के रहना है। और याद रखिए जो मूंगा है ये मूंगा कभी भी ऑयस्टर के अंदर से नहीं निकलता, खास करिए जो आपने कटर ब्रश देखा आपने, ये कटर ब्रश तो बिल्कुल ऐसा नहीं निकलता, ये पौधा एक पेड़ है इसके टहनी को काट के निकाला जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा नाम है उदय और मैं इस वक्त हूँ